असली पवित्र ग्रंथ भारत के अंदर जो पवित्र ग्रंथ बोलते हैं उसका अर्थ समझ लीजिए क्या है, तो आपको ये जानकर बड़ा सुखद महसूस होगा कि असली जो पवित्र ग्रंथ हैं वो दरअसल बुद्ध के वचन हैं। जो बुद्ध ने कहा है वही पवित्र हैं और वही एकमात्र ओनली ग्रंथ हैं। जैसे पूरी दुनिया में एक ही अकेला विश्व गुरु है जिसको जगत गुरु बोलते हैं, जो बुद्ध हैं। पहले समझिए कि जो पवित्र शब्द है इसका अर्थ क्या है। पवित्र शब्द संस्कृत किया हुआ है, इसका संस्कार किया हुआ है, इसको मॉडिफाई किया हुआ है, इसकी संखति की हुई है। पाली में संखति बोलते हैं या संखार बोलते हैं। कैसे ये बदला हुआ है, कैसे मॉडिफाइड है, क्योंकि पाली के अंदर त्रय शब्द नहीं होता। त्रिशूल है या त्रय है या त्रिपिटक में जो त्रय आता है वो है, या त्रिदेव है या त्रिरत्न है, ये त्रि शब्द नहीं आता, ती बोला जाता है। ती, ती रत्न, ती पीटक, ती देव, ती से आता है, ती का मतलब तीन हो गया। तो जब त्रय शब्द नहीं है तो पवित्र में जो त्रय शब्द आता है वो भी पाली का नहीं है। तो असली सद्ध शब्द को सद्ध बोलते हैं क्योंकि शय भी नहीं होता, जो संयम वाला शय है वो नहीं होता। जो मेरे नाम में सुधीर में जो शय है वो ही एक अकेला शय है, षटकोण वाला शय भी नहीं होता। जो विषय में शय होता है वह भी शय पाली के अंदर यानी पुरानी भाषा में नहीं होता, दोनों शय बाहर से आए हैं। तो जो पवित्र है उसका क्या पाली में मतलब है? दरअसल सबसे पहले ये देखिए कि पाली के अंदर जो वित्त शब्द है उसका क्या मतलब है। वित्त या वित्ती, वित्त का मतलब होता है जो ज्ञान का भंडार है, जो ज्ञान का संग्रह है। वित्ती भी उसी को बोलते हैं, संग्रह को बोलते हैं। तो आज जो हम वित्त बोलते हैं, आज तो हम रुपए पैसे से बोलते हैं, या कुछ समय पहले तक इसको धई और धान से बोला करते थे। धई धान का मतलब है जो हम चावल का धई धान लेके आते थे, या जो ग्रेन्स लेके आते थे, जो दाने पैदा होते थे अनाज के उनको लेके आते थे, उनको धई या धान बोलते थे। और इस धई धान को ही बाद में धन कहने लगे। अगर आप महामाया जो बुद्ध की माता हैं, अगर उनकी पत्थर की स्टैचू देखेंगे तो उसके ऊपर दो मटकों में जो बरसात हो रही है वो धई की है, धान की है। क्योंकि उसका रंग सोने जैसा होता है, इसलिए बाद में उसको सोना जैसा भी बोलने लगे, स्वर्ण बोलने लगे। जैसे कनक का और स्वर्ण का, गेहूं का एक ही पर्यायवाची होता है, इस तरह से। तो जो वित्तीय शब्द है, वित्त शब्द है इस ज्ञान के भंडार, यानी वित्त बोलते हैं ज्ञान के भंडार को, ज्ञान के संग्रह को, ज्ञान को। और वित्त से पहले अगर पै लगा दें तो पै का मतलब होता है पीले कपड़े वालों के वचन। जैसे पावचन होता है, मैंने पावचन बताया था, पावचन का मतलब है जिसने पीले कपड़े पहन रखे हैं और जो उसने वचन कहे उनको पावचन बोलते हैं, बाद में उनको पावन बोलते। तो पीले कपड़े वाले जो वचन में आता है वो आता है पांडु से। पांडु का मतलब होता है पीले रंग, और इससे ही पांडुलिपि बनी है। और ये पीले कपड़े पहनने वाले जो थे, ये बुद्ध ने परंपरा आरंभ की थी। बुद्ध से पहले पीले कपड़े, या जिसको केसरिया रंग बोलते हैं, या जिसको चीवर का कलर बोलते हैं, या जिसको छाल का रंग बोलते हैं, बहुत सारे रंग थे। क्योंकि जो भिक्खु थे और जो बुद्ध थे उनके जो कपड़े वो खुद जो रंगते थे, वो कभी पीले फूल की जो रंग होता है उससे रंगते थे, कभी पेड़ की छाल से रंगते थे, कभी पत्तियों से रंगते थे। बहुत सारे प्राकृतिक कलर उस समय थे, क्योंकि आर्टिफिशियल कलर तो उस समय थे नहीं जैसे आज के केमिकल हैं। तो वो पेड़ की छाल या बीज हैं या फूलों के रंग हैं, उनसे रंगा करते थे चीवर के रंग को। तो वो चीवर के रंग में जो कपड़े रंगे जाते थे, जिसको हम चीवर बोलते थे, तो वो पीले रंग वालों को जो बोला करते थे उनको बोलते थे कि ये पावन वचन है, इन्होंने जो कहे हैं उनके वचन हैं पीले कपड़े वालों के। उससे ही ये बना है पैवित्त, यानी पैवित्त का मतलब हो गया पीले कपड़े वालों का ज्ञान संग्रह। और वित्त को बाद में त्रय कर दिया, जहां दो तय आते हैं, आधा तय और तय, उसको पाली से जब बदला तो उसको त्रय कर दिया, तो वो हो गया पैवित्र यानी पवित्र। तो पवित्र का मतलब है कि जहां पीले कपड़े वालों ने यानी भिक्खुओं ने या बुद्ध ने जो वचन कहे हैं वो वचन।
इसका मतलब ऐसा नहीं है बहुत होली हैं, बहुत आदर्श हैं, बहुत बढ़िया हैं। बुद्ध के तो सारे ही वचन आदर्श हैं, क्योंकि बुद्ध का एक भी वचन ऐसा नहीं है जो आइडियल ना हो, जो ह्यूमन के लिए अच्छा ना हो, जो पूरी मनुष्य जाति के लिए दुनिया में अच्छा ना हो। इसलिए उनसे बेहतर तो कोई, जिसको कहते हैं कि आर्य सच यानी आर्य सत्य, ऐसा कोई सेंटेंस उनका है ही नहीं जिसको आर्य सत्य की श्रेणी में आप लेके ना सकें। कोई झूठ नहीं है, एक सिंगल भी कमी नहीं है उनके किसी भी वचन में, सारे वचन उनके परफेक्ट हैं। अकेले ऐसे महामानव हैं जिनके सारे वचन परफेक्ट हैं, क्योंकि वो नेचर पर आधारित हैं, प्रकृति पर आधारित हैं, कुदरत पर आधारित हैं, कुदरत के नियम हमेशा अच्छे होते हैं। तो ये हो गया पवित्र। अब जो पवित्र के से पावन पवित्र बोलते हैं या पतित पावन बोलते हैं, उसका मतलब समझिए क्या है। पतित का मतलब होता है पाली के अंदर गिरा हुआ, जैसे कहते हैं कि ये जो पण है, पण का मतलब है पत्ती है, ये पतित हो गई यानी ये पेड़ से गिर गई, तो उसको कहते हैं पण पतित या पतित पण। कहते हैं कोई औरत अपने करैक्टर से गिर गई तो पतित हो गई, कोई आदमी अपने करैक्टर से गिर गया, चरित्र से गिर गया, तो वो पतित हो गया, कोई आदमी अपने काम से गिर गया तो पतित हो गया। तो पतित का मतलब पुराने समय में गिरा हुआ होता था। मगर आपने सुना होगा पतित पावन, और आगे ये गाना चलता है, बड़ा सुनाया जाता है पतित पावन पतित पावन। तो पावन का मतलब होता है पा वचन यानी के पीले कपड़े वालों के वचन यानी के बुद्ध के वचन, और पतित का मतलब है गिरा हुआ। तो गिरे हुए और बुद्ध के वचन, तो दोनों चीजें विरोधाभासी हो गई। तो संस्कृत में इसको पतित पावन भी बोलते हैं यानी गिरे हुए बुद्ध के वचन, क्योंकि बुद्ध के वचन को जब खत्म किया गया तो कहा गया कि ये गिरे हुए बुद्ध के वचन हैं, इनको इस्तेमाल ना किया जाए, तो गाली बन गई, पतित पावन हो गया। मगर लोग भूले नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो वचन है बुद्ध के ये ही पवित्र हैं, ये ही पावन हैं, ये ही पावचन हैं, और ये पतित नहीं है। तो पतित शब्द बाद में आइडियल हो गया, यानी कि आज जो हिंदी में इस्तेमाल करते हैं पतित, वो गिरा हुआ नहीं है, पाली में तो गिरा हुआ है, मगर आज जो हिंदी में संस्कृत भाषा में इस्तेमाल करते हैं पतित, इसका मतलब हो गया आइडियल, इसका मतलब हो गया अच्छा, यानी अच्छे वचन हो गए। तो एक शब्द का अर्थ जहां गिरा हुआ था वो बदल गया, पतित पावन अब अच्छा हो गया। गानों में आता है पतित पावन, आगे आप सब जानते हैं कौन सा गाना है। तो ये बुद्ध के जो वचन हैं, जब इनको गंठ बांधी गई यानी गांठ बांधी गई, इकट्ठे किए गए, संग्रह किया गया, तो गंठ को ही गंथ बोलते हैं, गंथ को ही ग्रंथ बोलते हैं। तो यही पवित्र ग्रंथ हैं या गंठ हैं या गंठ हैं, और सारी दुनिया जानती है कि ये 500 भिक्कुओं ने मिलकर इनमें गांठ बांधी थी, इनको बनाया था। इसके एविडेंस हैं, इसका पूरा सिद्धांत है, इसका पूरा टेक्निक है कि ये कैसे बांधे गए और ये कैसे किए गए। तो पूरी दुनिया में, क्योंकि हिंदी का शब्द है आज के समय पतित पावन और पवित्र, और ये पाली से बना हुआ है, पवित्र से बना हुआ है, और पावन से मतलब है पावचन, बुद्ध के वचन से बना हुआ है, वहीं से सारे शब्द बने हैं। सारी हिंदी और सारी जो संस्कृत भाषा है, जिसको आप संस्कृत कहते हैं या उर्दू कहते हैं या और भी भाषाएं कहते हैं, वो सारी वहीं से बनी हुई हैं। तो वहाँ इसका मतलब होता है बुद्ध के वचन, और वही दुनिया में असली वचन है। तो जब भी अगर कहीं पवित्र वचन की बात आए, पवित्र ग्रंथ की बात आए, तो वो बुद्ध के वंश हैं और बुद्ध के ही ग्रंथ हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक पोस्ट चल रही है, ये पोस्ट देखिए जो नीचे लिखी हुई है, इसका कोई अता पता नहीं है, ये फेसबुक से उठाई है और फेसबुक में कोई भी लिख सकता है। मगर ये जो लिखी हुई है इसका सार समझिए, ये कहती है पोस्ट के ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक भिक्कू का एक इंटरव्यू लिया गया, और उससे ये कहा गया कि अगर त्रिपीटक को संडास में फेंक दें, जहाँ लैट्रिन करते हैं, कंबोर्ड में फेंक दें उसको, तो आप क्या करेंगे। तो भिक्कू ने जवाब दिया कि मैं सबसे पहले प्लम्बर को फ़ोन करूंगा ताकि पानी रुके ना, ऐसा था कहा गया। तो वो लिखते हैं आगे कि भाई वो जो इंटरव्यू लेने वाला था वो हंसा। उसके बाद उसने मूर्ति के बारे में पूछा कि मूर्ति अगर तोड़ दें तो क्या करेंगे, तो उनका जी मूर्ति में नहीं रहते बुद्ध, ना ही वो रहते हैं। ये दरअसल आज के संदर्भ में इसलिए बात आती है क्योंकि जो अन्य मतों की जो धार्मिक ग्रंथ हैं या धार्मिक किताबें हैं, उनको कोई छू लेता है या फाड़ देता है या उनका अपमान कर देता है, तो उसके जो लोग हैं उस मत को मानने वाले, वो उग्र हो जाते हैं, वो उग्र होकर कुछ भी करते हैं। हमारा उन मतों से कोई लेना देना नहीं है, उनका मत है वो जाने, अपने मत को कैसे करेंगे, उनके जो किताबें हैं वो जाने वो कैसे करेंगे। मगर यहाँ मैं त्रिपिटक के बारे में आपको बता दूँ,
दरअसल त्रिपिटक कोई किताब नहीं है। त्रिपिटक का मतलब है त्रिपिटक, तीन पेटियां। बुद्ध के साहित्य को जब गंठ बांधी गई, इकट्ठा किया गया, तो उस समय कागज नहीं था, उस समय पत्थर पर लिखाई स्टार्ट नहीं हुई थी, क्योंकि वो तो अशोक के समय हुई, उस समय तक अक्षर भी नहीं थे, तो जवानी याद करते थे। तो ऐसा माना गया कि ऐसा ना हो कि बुद्ध के जो पावन वचन हैं, पावचन हैं, वो कहीं भूल ना जाएं लोग, तो उनको इकट्ठा कर लिया जाए। तो 500 भिक्कु जो बुद्ध के साथ रहते थे और जिनकी मेमोरी अच्छी थी, उन सबसे एक 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 अच्छी अच्छी बातें जो उन्होंने कही हैं, क्यों तो 45 साल तक आदमी कहाँ तक याद रखेगा, मगर कुछ खास बातें जो लोगों ने पूछी कि भाई कैसे है, राजा ने पूछी कैसे है, गरीब आदमी ने पूछी कैसे है, या कभी बुद्ध ने खास किसी संदर्भ में ये बात बताई कि ये बात ऐसे है, या कोई खास ज्ञान दिया, तो वो याद किया, उसको सबने इकट्ठा किया, उसको समराइज किया, उसको चेक किया, उसको पूछा ऐसा ही है ऐसा ही है, तो वो सारा सारा इकट्ठा किया। बुद्ध ने कोई किताब नहीं लिखी, बुद्ध ने कुछ नहीं लिखा, बुद्ध तो कह के चले गए। तो बाद के लोगों ने, 500 लोगों की सभा ने उसको इकट्ठा करके, और उस समय गड़क और भाड़क होते थे, भाड़क और गड़क मतलब जो पैसे लेकर रोजी रोटी थी उनकी, और उस चीज़ों को याद करते थे। तो अलग 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 चैप्टर लोगों को याद करने के लिए दे दिए। तो उस सबको जो बोला गया उस समय, उसको पेटी बोला गया। पेटी का मतलब है जहाँ पिटारी, जहाँ इकट्ठा होता है, तो इकट्ठा कर दिया उसको। तब तक एक पिटारी थी, फिर दो पिटारी हो गई। पहले तो खाली सूत बोला जाता था, मगर उस सभा में फिर ये सूतों को अलग अलग किया गया। एक विनय पीटक यानी भिक्कुओं के और भिक्कुणियों के नियम की बने, और एक बाकी सूत पीटक बना जो सारे लोगों के थे, जिसमें आम जनता, लड़का लड़की, औरत आदमी, गरीब अमीर, राजा रंक, सबका उसमें होता था कि क्या नियम बताए हैं क्या नहीं बताए, उसको सूत पीटक। बाद में उसमें जो मन की और जो शरीर की साइंस थी, यानी माइंड की और बॉडी की जो साइंस थी, उसको अलग किया गया, उसको अभिधम्म पीटक बोला गया, अभिधम्म करके लिया गया। तो बाद में तीन हिस्से उसके किए गए, उसको बोलते हैं त्रिपिटक। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसमें कहानियाँ लिखी, उसका अर्थ लिखा, उसका अनर्थ किया, उसमें मिक्सिंग की, वो बहुत सारी किताबें हैं। सभी को मिला के कह देते हैं कि त्रिपिटक है, सारा त्रिपिटक नहीं है, ओरिजिनल जो बुद्ध का है वो त्रिपिटक है। भारत में तो अधिकतर मिक्स है, मगर उसको प्योरीफाई किया जा सकता है अगर आप बुद्ध की टेक्निक विपस्सना जानते हैं, धम्म को जानते हैं, तो वो नेचर में है, असल वो किताबों में भी नहीं है, नेचर में है, उसको चेक किया जा सकता है, विपस्सना करने के बाद आप चेक कर सकते हैं, वो त्रिपिटक है। अब उस जो किताबें लिखी गई हैं, आप उन किताबों को किसी को जलाइए, किसी को फाड़िए, किसी को कुछ किए, बुद्ध के जानकार पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर बुद्ध के भक्त पे पड़ेगा, बुद्ध के अनुयायी पर नहीं पड़ेगा। बुद्ध का भक्त तो पूरी तरह से तांडव करेगा, बुद्ध का भक्त जो होगा, क्योंकि जैसे अन्य मतों के भक्त हैं, क्योंकि अन्य मतों में गॉड है, यहाँ तो गॉड है नहीं बुद्ध के मत में, बुद्ध की फिलॉसफी में, मगर वो अन्य मतों की तरह ही उछलेगा, कूदेगा, हमारा ऐसा कर दिया, हमारी किताब को ऐसा कर दिया, ये हमें अपनी इजाज़त बचानी चाहिए, पहले भी बुद्ध खत्म हो गए थे, फिर ये ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा करके वो करेगा। उसका मोटिव धम्म नहीं है, उसका मोटिव कुछ और भी है जो धम्म से अलग है, क्योंकि बुद्ध का धम्म ये कहता है, धम्म त्रिपिटक के किताबों में लिखा हुआ सिर्फ पढ़ने के लिए है, मगर उसको अगर सही मायने में अडॉप्ट करना है तो वो समझना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस का काम बड़ा मुश्किल है। किसी को ये कहना तो बड़ा आसान है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपने बच्चे को देख लो, आप बच्चे को भी कहोगे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ा आसान है, आपने उपदेश दिया उसने सुन लिया, बस आपने कहा उसने सुन लिया, ना आपने माना ना उसने माना, तो धम्म नहीं आया। तो धम्म प्रैक्टिस में रहता है, इसलिए जो जानकार भिक्कु हैं, जो इसके जानकार अनुयायी हैं, और पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से धम्म के अनुयायी जानकार बढ़ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो तमाशाबीन हैं, जो धम्म को गॉड से रिलेटेड करके और मतों से कंपेरेटिव करके, उनका कंपेयर करके, उनकी तुलना करके लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे बाकी मत होते हैं वैसे इस मत को लाने की कोशिश करते हैं, वो अभी जानते नहीं हैं धम्म क्या है क्या नहीं है। त्रिपिटक को कोई जलाए, कोई फूके, कोई कुछ कहे, कोई कुछ नहीं कहेगा। जितनी आपने त्रिपिटक खरीद के जलानी है जलाइए, जितना पैसा आपने बर्बाद करना है करिए, बुद्ध पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध ने कोई स्टैचू नहीं बनाई, यहाँ के लोगों ने स्टैचू बनाई, यहाँ के लोगों ने बिहारों में स्टैचू रखी, एक बुद्ध की मूर्ति तोड़ते हैं, मेरे ख्याल में और भी कुछ नहीं तो कम से कम 10,000 से ऊपर डेली बन जाती हैं। कितनी तोड़ोगे भाई, हर घर में बुद्ध की स्टैचू रखी हुई है, हर विदेशी घर में बुद्ध की स्टैचू रखी हुई है, लाखों करोड़ों बिहार हैं जहाँ रखी हुई है, हर बिहार में हजारों मूर्तियाँ रखी हुई हैं, कितना तोड़ोगे? वैसे बुद्ध मूर्तियों में नहीं रहते, मगर कितनी तोड़ोगे,
तोड़ोगे, अपना ही नुकसान करोगे, खरीदो तोड़ो, कौन रोकता है? ना तो बुद्ध किसी को कुछ कहते हैं, ना बुद्ध ने कुछ ऐसी डायरेक्शन दी हैं, ना ही बुद्ध के अनुयायी लड़ने आते हैं, ना ही मरने आते हैं। यहाँ तक कि बुद्ध के अनुयायी की ये गारंटी है, जो भिक्खु हैं, कि आप उनके सामने बुद्ध का भी अपमान करिए, उनका भी करिए, उनके त्रिपिटक में है, उनकी जो त्रिपिटक है, उनका जो धम्म है उसमें है कि कोई अगर अपमान करता है तो अपनी भाषा खराब करता है, उसके मन में कड़वाहट है, आप उसको रिसीव मत करिए, वो आपके पास नहीं आएगी। और फिर भी कुछ लोग बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे नेता करते हैं, जैसे राजनीतिक लोग करते हैं। राजनीतिक लोगों का तो खाना ही प्रतिक्रिया है। और राजनीतिक लोग क्या करते हैं, आपस में मिले हुए होते हैं, विरोधी पार्टी और सत्ता पार्टी मिले हुए होते हैं। कैसे मिले हुए होते हैं? देखो, हम ये कुछ कहेंगे, तुमको इसमें प्रतिक्रिया देनी है, तुम प्रतिक्रिया दोगे, फिर हम प्रतिक्रिया देंगे, हम पब्लिक को दोनों उलझा के रखेंगे, ठीक है ना? तो ऐसा उनका आपस में समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। एक राजनीतिक दल आता है, दूसरा जाता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, फिर घूम के पहला आता है। ये उनका चलता रहता है, ये उनकी आपसी समझ है, उनका कोऑर्डिनेशन है। धम्म के लोग ऐसी बातों में नहीं पड़ते। धम्म प्राकृतिक है, हर जगह विद्यमान है और बहुत तेज़ी से लोगों की समझ में आ रहा है। लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब ये बढ़ रहा है। जितनी इसकी प्रैक्टिस करते हैं उतना ये बढ़ता है, और जितनी इसकी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं उतना ये घटता है। और अब समय आ गया है कि पूरी दुनिया में फिर दोबारा से जगत गुरु जो बुद्ध हैं, उनका धम्म प्रैक्टिस में बहुत तेज़ी से आ रहा है। इसलिए उन जो भिक्खु ने कहा है, सच है या गलत है, मगर जो उन्होंने कहा है वो सार बिल्कुल ठीक है। बुद्ध मूर्ति में नहीं रहते, बुद्ध किताबों में नहीं रहते, बुद्ध तो हर मनुष्य, हर जीव, हर जानवर, हर पेड़, हर प्रकृति में रहते हैं। धन्यवाद। साधु साधु।